गुड मॉर्निंग यूके जी। आज हमारी इंग्लिश की क्लास। हेलो यूके जी, अब हमारी इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश की क्लास में जो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूज़ ऑफ बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। अच्छा, पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बिहाइंड। बिहाइंड क्या होता है, कोई चीज़ अगर आपके पीछे है या किसी भी चीज़ की कोई चीज़ पीछे है तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। बिहाइंड की स्पेलिंग मैं आपको एक बार बता देती हूँ, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, ठीक है। और होता है इसके बाद है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट क्या होता है, अगर कोई चीज़ आपके सामने है, सामने वाली चीज़ के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ की कोई चीज़ सामने है तो उसके लिए यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ, यानी वो चीज़ हमारे सामने है, सामने के लिए यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस पे लेसन में अच्छे से पढ़ने वाले, इसको और अच्छे से मैं क्लियर करूँगी। अब देखिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वेयर इज़ द ट्री, यानी पेड़ कहाँ है। तो पेड़ कहाँ है, ये हट दे रहे कि हट के पीछे पेड़ है ना, तो इट इज़ बिहाइंड द हट, क्योंकि हट के पीछे है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, बिहाइंड किसके लिए आता है, पीछे के लिए, के पीछे। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के पीछे है तो बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, तो पेड़ पीछे, बिहाइंड द हट। अब अगला वाला देखिए, वेयर इज़ द बकेट। अब देखिए, बाल्टी है तो बाल्टी कहाँ है, बाल्टी वेल के सामने है, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द वेल, यानी कुएं के सामने बाल्टी है, तो हमने किसका प्रयोग किया, इन फ्रंट ऑफ। किसका यूज़ किया हमने, इन फ्रंट ऑफ। देखिए, वेयर इज़ द टॉप, अब देखिए इसमें टॉप दे रखा है, टॉप कहाँ पर है, टॉप मीन्स लट्टू, जानते हैं ना, इट इज़ बिहाइंड द पॉट, यानी पॉट के पीछे है टॉप। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, बिहाइंड का, क्योंकि कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे तो बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। वेयर इज़ द पेन, अब इन्होंने पूछा पेन कहाँ है, तो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बैग, वो बैग के कहाँ पर है, सामने है। वेयर इज़ द पेन, तो पेन कहाँ पर है, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बैग, वो क्या है, बैग के सामने है। कोई चीज़ मैंने बताया ना सामने होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं हम इन फ्रंट ऑफ का। वेयर इज़ द रैट, अब इन्होंने पूछा रैट कहाँ पर है, चूहा कहाँ पर है, बिल्ली के आगे है ना, तो इन फ्रंट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर भी हम, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द कैट, वो किसके सामने है, कैट के सामने है, तो इन फ्रंट का प्रयोग किया यहाँ पर हमने। वेयर इज़ द टेबल, अब टेबल कहाँ पर है, देखिए टेबल कहाँ पर है, ब्लैक बोर्ड के सामने है, तो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे भी हमने किसका प्रयोग किया, इन फ्रंट ऑफ का। तो आई होप कि आप समझ ही गए होंगे, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम जब कोई चीज़ हमारे सामने है तब करेंगे, और बिहाइंड का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पीछे होती है, किसी चीज़ के पीछे होती है। यूके जी, अब इसकी ये क्या है, बैक एक्सरसाइज है। बैक एक्सरसाइज में हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, फिल विद बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। हमें यहाँ क्या फिल करना है, हम बिहाइंड फिल करेंगे पिक्चर्स देख के। और अब देखिए, जैसे कि बताए बिहाइंड किसके लिए यूज़ करेंगे हम, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के पीछे और इन फ्रंट ऑफ सामने है, तो हम पिक्चर्स के हिसाब से बिहाइंड और इन फ्रंट इसमें फिल करना है। द डॉग इज़ डैश द कार, अब डॉग कहाँ पे है, कार के सामने है, तो यहाँ क्या फिल करने वाले, इन फ्रंट ऑफ द कार। सेकेंड पिक्चर देखिए, द हैट इज डैश द बॉय, हैट कहाँ पे, बॉय के पीछे है, तो यहाँ क्या फिल करेंगे, बिहाइंड द बॉय। द कार इज डैश द ट्रेन, कार कहाँ पर है, ट्रेन के पीछे, कार कहाँ है, ट्रेन के पीछे है, तो क्या है, बिहाइंड द ट्रेन। अब नेक्स्ट वाला, द वैन इज डैश द बस, अब वैन कहाँ पर है, बस के पीछे है ना, तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग किया हमने, बिहाइंड का। द वैन इज बिहाइंड द बस। द टीचर इज डैश ऑफ द क्लास, अब टीचर कहाँ है, क्लास के सामने है देखिए, तो इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अब अगला वाला देखिए, लास्ट वाला, द बॉय इज डैश द वेल, अब बॉय कहाँ है, वेल के आगे नहीं है ना, पीछे है, तो द यानी तो लड़का कहाँ है, कुएं के सामने है, द बॉय इज बिहाइंड ऑफ द, सॉरी सॉरी बेटा, ये बच्चा जो है कुएं के, फिर भी बच्चा कुएं के सामने है, द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ आएगा, क्योंकि सामने है, पीछे होता तो यहाँ पर होता। तो ये क्या थी, हमारी बैक एक्सरसाइज थी, नीट एंड क्लीन आप इंग्लिश की कॉपी में करेंगे, PDF बना के मैं सेंड करेंगे। बाय बेटा, टेक केयर।